हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मुनीश स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं SBI क्लर्क की तरफ से न्यू वैकेंसी आ चुकी है 2020 की आपकी, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, 500+ वैकेंसी हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है इसका, और नंबर ऑफ एग्ज़ाम कितने होते हैं क्लर्क के अंदर। सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। IBPS PO और क्लर्क के साथ साथ SBI क्लर्क का भी जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो देखते हैं नोटिफिकेशन में स्टेट वाइड वैकेंसी कितनी कितनी है। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके अंदर स्टेट वाइज जो वैकेंसी हैं आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं, एक बार फिर से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। लगभग अहमदाबाद के अंदर अगर देखते हैं, गुजरात, बेंगलोर में अगर हम देखते हैं तो 316, भोपाल में अगर देखते हैं तो 389, उसी प्रकार से भुवनेश्वर में देखते हैं 170, चंडीगढ़ में अगर देखते हैं तो 355। ये स्टेट वाइज वैकेंसी, ये इनके जोन हैं जो उसके अकॉर्डिंग बटे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश ये रहा, और यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं 631। वहीं महाराष्ट्र के अंदर से भी ज़्यादा वैकेंसी है, 747 वैकेंसी हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो ये आपकी वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी जो हैं आपकी 5008 वैकेंसी हैं। और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जब तक आपका रिजल्ट अनाउंस हो प्री का, तो ये वैकेंसी और भी प्लस हो सकती हैं। वहीं बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। सबसे पहले एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, तो एज रिलैक्सेशन जैसे SSC में होता है वो ही सेम बैंकिंग में भी आपका एज रिलैक्सेशन होता है। SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और इसी प्रकार से। अगर मैं बात करता हूँ उसके प्री के सिलेबस की और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो प्री के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। इंग्लिश के अंदर आपके 30 सवाल होते हैं जो आपको 30 नंबर के होते हैं, और 20 मिनट का इसके अंदर सेक्शन वाइज ड्यूरेशन होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर 35 सवाल होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं, और 20 मिनट का इसके अंदर भी सेक्शनल टाइम होती है। रीजनिंग के अंदर भी 20 मिनट का सेक्शनल टाइम होता है, और 35 सवाल 35 मार्क्स के होते हैं, और टोटल आपका जो ड्यूरेशन होती है वो 1 आवर की होती है, और आपके टोटल क्वेश्चन 100 और मार्क्स भी आपके 100 होते हैं। इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 4 सवाल गलत पर आपका 1 मार्क जो है वो आउट हो जाएगा। मेंस की अगर बात करते हैं, तो जो लोग प्री में क्वालिफाई होते हैं वो मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं, और मेंस में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर, जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि आपका 50 नंबर की होती है, 50 क्वेश्चन होते हैं, और 35 मार्क्स उसका सेक्शनल टाइम होता है। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो 40 सवाल 40 मार्क्स, 35 मिनट आपका सेक्शनल टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो 50 सवाल 50 मार्क्स, 45 मिनट आपका सेक्शनल टाइम। और रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो 50 सवाल होते हैं, 60 नंबर के होते हैं, और 45 मिनट आपका सेक्शनल टाइम होता है। ओवरऑल अगर हम टाइम की बात करते हैं तो 2 आवर 40 मिनट आपको जो है मिलते हैं पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 190 सवाल के आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद आपका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू का जो प्रोसेस है इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि एक क्लर्क की पोस्ट है। आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट्स SBI क्लर्क से रिलेटेड जो हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। हाँ, एक एज का अगर मैं फैक्टर बता दूँ, तो एज में इसमें 20 से 28 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो फुलफिल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं फॉर्म को। अगर आप SC के हैं तो आप 28 में 5 और जोड़ लीजिए, 33 साल तक। और अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आप 28 में 3 जोड़ लीजिए, तो 31 साल तक आप जो है SBI क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर, और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो।
थैंक यू।